दिल्ली पुलिस मंगलवार को श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को लेकर मेहरौली के जंगल पहुंची। 27 साल की श्रद्धा के मर्डर का आरोप उसके लिव इन पार्टनर आफताब पर है। आफताब ने कबूल किया था कि मर्डर के बाद उसने बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें जंगल में फेंक दिया। अब तक 10 बॉडी पार्ट्स मिलने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस ने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। एक और चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि आफताब ने मर्डर के बाद एक लड़की को फ्लैट पर बुलाया था, तब श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स फ्लैट में ही थे। आफताब और दूसरी लड़की डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। पुलिस अब इस डेटिंग ऐप से आफताब के प्रोफाइल की जानकारी जुटाएगी। पुलिस जानेगी कि आफताब किन लड़कियों से मिला और क्या हत्या की वजह इनमें से कोई लड़की तो नहीं। दिल्ली में दिल दहलाने वाली खूनी प्रेम कहानी, जिसमें पहले प्यार फिर शक, भूखा और फिर खौफनाक हत्या, इसे सुनकर हर कोई हैरत में है। इस केस में कई नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच श्रद्धा के पिता ने आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग की है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या और फिर हत्या के बाद सबूतों को मिटाने की जिस तरह की पूरी प्लानिंग की थी, वो हैरतअंगेज है। गला दबाकर हत्या करने के बाद आफताब ने श्रद्धा के शव के साथ ऐसा विभत्स काम किया जो दिल दहलाने वाला है। कोर्ट ने उसे 5 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया है। इस केस की जांच जारी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।